और खबर इस बीच लखनऊ से, दबंगई के दम पर फैक्ट्री मालिक का बड़ा कारनामा। लेखपाल और तहसीलदार प्रशासन की मिलीभगत से किया बड़ा खेल। ग्राम समाज की बंजर जमीन की अदला बदली का खेल। दबंग फैक्ट्री मालिक ने नियमों को ताक पर रखकर ये खेल किया। फैक्ट्री मालिक ने जमीन पर कब्जा किया। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की बंजर जमीन को कब्जे में लिया गया। ग्राम समाज की बंजर जमीन का अदला बदला हुआ। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दबंग फैक्ट्री मालिक ने नियमों को ताक पर रखकर ये खेल खेला। तो फैक्ट्री मालिक ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, करोड़ों की जमीन है जिस पर कब्जा कर रखा है। इसके बाद आपको बता दें कि दबंगई के दम पर फैक्ट्री मालिक का ये बड़ा कारनामा सामने आया है। जबरौली गांव का मामला है जहां पर करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया है। लेखपाल और तहसील प्रशासन की मिली भगत से यह कब्जा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे शुरू करेंगे मेरे सहयोगी मनीष पांडे का। मनीष जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, फिलहाल क्या कुछ तफ्तीश इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है? करोड़ों की जमीन बताई जा रही है जिस पर तहसीलदार और लेखपाल की मिलीभगत से कब्जा हुआ है। देखिए, ये काफी गंभीर मामला है और ये मामला काफी पहले से चला आ रहा है। मोहनलालगंज तहसील, आज से लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में करीब 20 से 25 बीघे जमीन, आप कह सकते हैं करीब 3 से 4 एकड़ जमीन है जिसमें ये अदला बदली का खेल खेला गया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले जब इसकी शिकायत की गई थी तो उसके बाद जो तहसीलदार थे वहाँ SDM ने जो रजिस्ट्री थी, जो जिस पर ये फैक्ट्री बनी हुई है वो रजिस्ट्री शून्य कर दी थी और निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे कि तत्काल इस जमीन का जो है नामांतरण वो ग्राम समाज के नाम से कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राम समाज की जमीन है। और आजकल जिस तरीके से भू माफियाओं के खिलाफ जो है तमाम मुहिम चला रही है सरकार, उसके बावजूद भी लगातार जो गांव के लोग हैं वो शिकायत करते आ रहे हैं। लेकिन शिकायत बावजूद सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी तक फैक्ट्री मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उसमें जो अधिकारियों के साथ साठगांठ हुई फैक्ट्री मालिक की, क्योंकि निश्चित रूप से दबंग एक बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा नाम है जो है अगर देखा जाए तो, उसके बाद उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत से तो हाईवे के किनारे की जमीन, करोड़ों की बेशकीमती जमीन जो ग्राम समाज की थी, उसके बदले में उन्होंने दूर दराज में कहीं एक जमीन, कुछ सस्ती जमीन खरीद के अदला बदली कर दी। बिल्कुल मनीष, बड़ा सवाल यही है कि इस सब के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत पूरी जानकारी की।